तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई है। शनिवार तड़के हुए हादसे में यूपी के 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 50 लोग झुलस गए हैं। प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे। हादसे के बाद कोच यार्ड में खड़ा था। ये कोच 17 अगस्त को लखनऊ जंक्शन से रवाना हुआ था। कोच को रविवार को चेन्नई से लखनऊ लौटना था। मदुरै कलेक्टर एम एस संगीता ने बताया कि कोच में सभी यूपी के तीर्थ यात्री थे। इस कोच को मदुरै में 2 दिन तक रुकना था। यात्रियों ने आज सुबह कॉफी बनाने के लिए स्टोव जलाया तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। रेलवे के मुताबिक हादसा मदुरै यार्ड पर खड़े कोच में सुबह 5:15 पर हुआ। वहीं 5:45 पर फायर टीम पहुंची और 7:15 पर आग को बुझा लिया गया। ये प्राइवेट कोच शुक्रवार को नागरकोल जंक्शन पर पुनारूल मदुरै एक्सप्रेस में जोड़ा गया था। ट्रेन सुबह 3:47 पर मदुरै रेलवे के स्टेशन पर पहुंची। कोच में आग लगने का मुख्य कारण सिलेंडर रहा, जिसे अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। रेलवे के अनुसार IRCTC से कोई भी कोच की बुकिंग कर सकता है, लेकिन सिलेंडर ले जाने पर रोक है। इसके बावजूद सिलेंडर लेकर कोई यात्री सवार था। हादसे के बाद रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। इधर पूरी घटना में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।